32 फैक्टोरियल 29 फैक्टोरियल ठीक है। तो 32 का फैक्टोरियल अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 32 × 31 × 30 × 29 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। नीचे भी क्या आ जाएगा, 39 का फैक्टोरियल, ये इसको काटने के बाद कितना आएगा, 32 × 31 × 30 कितना आंसर आएगा, 2970। वेरी गुड, 2970 ये हो गया तुम्हारा आंसर। नहीं सर इतना नहीं, मतलब ये आधा इसका ज्यादा आया, कितना आंसर आया, क्या आया ना 29707, वही होगा 29707 29 का फैक्टोरियल 7 × 7 ठीक है। अब देखो सके नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो गया 7 में 7 है 9 7 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
9 का फैक्टोरियल। अब यहां पे देखो 10 का फैक्टोरियल इसमें भी है और इसमें भी है, क्या इसको कॉमन ले सकते हैं हम लोग? बहुत इजी वे, अगर आप अगर इसको कॉमन लेके नहीं बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। अब यहां पे 10 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिए तो 12 * 11 कितना आएगा? 132 और -1 डिवाइडेड बाय 9 का फैक्टोरियल। अब इसको क्या लिख सकते हो बोलो? 10 का फैक्टोरियल 132 -1, 132 -1 कितना आ जाएगा? 131। और 10 का फैक्टोरियल नीचे क्या है? 9 का फैक्टोरियल। क्या हम लोग इस 10 के फैक्टोरियल को 10 * 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहां पे क्या कर देंगे? 10 से कर देते हैं या फिर जरूर क्या करेंगे वहां पे ये आ गया। अब हमारे पास क्या था? 10 का फैक्टोरियल था और यहां पे आ गया है तुम्हारा 131, 131 बटा 9 का फैक्टोरियल। अब इसको 10 का फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं 10 * 9 का फैक्टोरियल * 131 बटा 9 का फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल 9 का फैक्टोरियल कट गया तो 1310 आंसर जो कितना इजी तरीके से आ गया ना, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत कम तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है।